नमस्कार, @gujarat में आपનું સ્વાગત છે। માનહાનીના કેસમાં રાહુલ ગાંધીને સુરતની કોર્ટે તાજેતરમાં 2 વર્ષની સજા ફટકારી। દર્શક મિત્રો, રાહુલ ગાંધીને મોદી સરનેમ પર કરેલ ટિપ્પણી ભારે પડી ગઈ। કોર્ટે રાહુલ ગાંધીને દોષિત ઠેરવ્યા બાદ આ કેસમાં રાહુલનું સાંસદ સભ્ય પણ રદ કરી દેવામાં આવ્યું। આ ઘટનાક્રમ બાદ કોંગ્રેસમાં જબરદસ્ત ઉકળાટ જોવા મળ્યો। આ મામલે દેશભરમાં રાજકારણ ગરમાયું। આપને જણાવી દઈએ કે આને લઈ પાર્ટી द्वारा सखत विरोध पण करवामां आव्यो। ठेर ठेर प्रेस कॉन्फरन्स योजी राहुल गांधी ने लई केन्द्र सरकार पर अनेक आक्षेपो कराया। त्यारे दर्शक मित्रों, हवे राहुल गांधी ने मानहानि केस में सजा थया बाद प्रथम वखत कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पहुंचा हता सूरत खाते। खबरों पर नजर करिए दर्शक मित्रों, तो कांग्रेस नेता कन्हैया कुमारे सूरत में पत्रकार परिषद दरमियान सरकार पर कर्या आकरा प्रहार। सूरतना ईश्वर फार्म हाउस खाते सूरत जिला कांग्रेस समिति द्वारा आ प्रेस कॉन्फरन्सनुं आयोजन करवामां आव्यु हतुं तेवुं जाणवा मळी रह्युं छे। आ प्रेस कॉन्फरन्समां कांग्रेस नेता कन्हैया कुमारे राहुल गांधीना मानहानिना केसनी सजा तेमज अदाणी मामले तपासनी वात करता सरकार सामे अनेक सवालो उठाव्या, आकरा प्रहारो कर्या। आ मामले शुं कहेवुं छे कांग्रेसी नेता कन्हैया कुमारनुं, वात करीए समग्र मामले डिटेलमां। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का और आपके माध्यम से जो लोग इस प्रेस वार्ता को सुन रहे हैं, देख रहे हैं या कल पढ़ेंगे, सभी देशवासियों का अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं कानून का जानकार नहीं हूं, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता हूं और इस राजनीतिक विमर्श का जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है उसका जो कानूनी पक्ष है उस पे मुझे कुछ खास नहीं कहना है, लेकिन उसके जो और पहलू हैं उस संबंध में मैं इस देश का एक साधारण नागरिक होने की हैसियत से कुछ सवाल आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कुछ मेरे राजनीतिक सवाल हैं, उन सवालों को हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो सूरत कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं आदरणीय वर्मा जी, उनका प्रमोशन हुआ है, मैं अपनी तरफ से उनको और उनके परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं। आप खूब जो है अपने इस जीवन में आगे बढ़ें, हमारी खूब शुभकामनाएं हैं आपको। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह जो फैसला आया है उसके कुछ राजनीतिक पहलू पर ही हम सिर्फ बात करेंगे। अक्सर आप सब लोगों ने जब हेडलाइन को गौर से देखा होगा तो एक शब्द बार बार उछल करके हमारे सामने आया, मानहानि मानहानि मानहानि। मैं समझता हूँ कि ये मामला मानहानि का नहीं बेईमानी का है और बेईमानी की बात लोगों तक ना पहुंचे, जिस बेईमानी को लेकर के पिछले कई दिनों से संसद में सवाल उठाए जा रहे थे, उस चर्चा को वो बार बार एक दावा कर रहे हैं कि देश में राम राज्य स्थापित हो गया है। देश में अगर राम राज्य स्थापित हो गया है, अभी आप सब लोगों ने रामनवमी का त्यौहार मनाया है, मैं मिथिला से आता हूँ जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था, जब राम राज्य में माता सीता की अग्नि परीक्षा हो सकती है तो आज इस मोदी राज में किस उनके दोस्त की, उनके मित्र की जांच क्यों नहीं हो सकती है? एक सीधा सा सवाल है। आपने गलती की नहीं की, आप सही हैं, विपक्ष आप पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है तो जांच करा लेने में क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है क्या? बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के आर्गुमेंट को आप सुनिए, वो कहते हैं कि कांग्रेस के राज में भी अदानी जी को काम दिया गया। ऐसा नहीं है कि अदानी जी कांग्रेस के राज में सिग्नल पर भीख मांगते थे और अचानक से जो है वो देश के बहुत बड़े पूंजीपति बन गए। मैंने कहा कि ये पूरी लड़ाई एक व्यक्ति को बचाने या एक व्यक्ति को फंसाने की नहीं है। अगर आपको लगता है
कि कांग्रेस के राज में भी अदानी जी को कोई विशेष लाभ दिया गया है तो उसका भी जांच करा लीजिए। अगर आपको लगता है कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आप बार बार फोटो दिखाते हैं और आप बताते हैं कि यूपीए के ज़माने में भी दिया गया, साहब मूर्ख मत बनाइए। सबको पता है कि उनका जो विकास दर है ना माननीय अदानी जी का, वो पहले सीधा चल रहा था एक रेखा में, अचानक से जैसे इस देश में महंगाई में उछाल आई है ना, वैसे ही उनकी संपत्ति में उछाल आई है। ये संयोग है कि प्रयोग है, इसका इसकी जांच आप करा लीजिए। हम बस सवाल पूछ रहे हैं कि 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और 2014 के बाद से ही तीन दोगुनी रात चौगुनी जो है अदानी जी की संपत्ति बढ़ने लगती है। बार बार एक सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग भी रहते हैं, सभी दल के लोग रहते हैं, सभी मामलों की जांच करा लीजिए, कांग्रेस के राज की भी जांच करा लीजिए और भाजपा के राज की भी जांच करा लीजिए। यही तो सवाल है ना, इसी पे तो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं महाराज। बताइए, मैं प्रधानमंत्री को बहुत गौर से सुनता हूँ और मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान बड़ी उम्मीद से प्रधानमंत्री को सुनते थे। जब प्रधानमंत्री कहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, परिवारवाद खत्म करेंगे और काला धन वापस ला करके सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, तो उम्मीदें बंधती थी। और उस उम्मीद की हकीकत आज क्या है, कई बार तो बड़ी जोर की हंसी आती है। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने ही नाम के स्टेडियम में बगल में अमित शाह के सुपुत्र को खड़ा करके परिवारवाद पे भाषण देते हैं। बोलिए, आपको हंसी आएगी नहीं आएगी? ये कैसा परिवारवाद है? दूसरे पार्टी में अगर हो रहा है तो परिवारवाद है और भाजपा में अगर हो रहा है तो समाजवाद है, नहीं? जया साहब पे सवाल पूछना परिवारवाद नहीं है। इनका एक मंत्री है अनुराग ठाकुर, अक्सर जो है वो गाली देने के चलते चर्चा में रहते हैं, उनको मंच पे बिठा करके प्रधानमंत्री परिवारवाद पे भाषण देते हैं। अभी कर्नाटक जा करके परिवारवाद पे बोल रहे थे। आपको मालूम है कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे। ये परिवारवाद नहीं है। मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के लिए कुछ नहीं किया है, ये बात सच है, लेकिन अपने पॉलिटिकल फैमिली के लिए तो सब कुछ किया है। और अपने अगर पॉलिटिकल फैमिली के लिए कुछ नहीं किया है तो जेपीसी की जांच करा लेने में क्या दिक्कत है? यह सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि अदानी जी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है, इस एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप पूछेंगे सी तो बीजेपी के लोग ए से लेकर के जेड तक बोल देंगे, लेकिन सी नहीं बोलेंगे। सब बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस के ज़माने में भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस के ज़माने में भी अदानी को ठेका मिला, कांग्रेस के शासन में भी अदानी को ठेका मिल रहा है। जब माता सीता की अग्नि परीक्षा हो सकती है तो प्रधानमंत्री के दोस्त की जेपीसी से जांच नहीं हो सकती है? बड़े हैं क्या, उन पर सवाल नहीं पूछ सकते हैं? और अगर सवाल नहीं पूछ सकते हैं तब तो ये कहना पड़ेगा कि लोकतंत्र है खतरे में। और लोकतंत्र अगर खतरे में है साहब, तो सिर्फ कांग्रेस के लिए खतरे में नहीं है। देश में कोरोना महामारी जब आया ना, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई। देश में जब कोई समस्या पैदा होती है ना, उसका शिकार हर कोई होता है। इसीलिए मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूँ, खास करके ईमानदार कार्यकर्ताओं से, कि आप एक विचारधारा को मानते हैं, ये आपका राजनीतिक चुनाव है। आप एक पार्टी के समर्थक हैं, ये आपका राजनीतिक चुनाव है। आप प्रधानमंत्री जी का समर्थन करना चाहते हैं, ये आपका राजनीतिक चुनाव है। लेकिन देश के नाम पर बेईमान दोस्त का बचाव करना आपकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। आप चौक चौराहा खड़ा होकर के कल तक देश के लिए लड़ रहे थे, आपको पता ही नहीं चला साहब क्या से क्या हो गए सनम देखते देखते, कि देश के नाम पे वोट लेकर के
आज चौक चौराहा आपको अपने बेईमान दोस्त को बचाने के लिए बोला जाता है। किसी भी भाजपा के ईमानदार कार्यकर्ता के लिए अदानी के बचाव में खड़ा होना कोई जरूरी नहीं है, ये उसकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। कोई भी बेईमानी किया है, बेईमान बेईमान होता है। तेरा बेईमान और मेरा बेईमान क्या होता है? बेईमान बेईमान होता है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि जिन लोगों पे आप आरोप लगाते हैं, अभी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के भीतर और देश के बाहर देश विरोधी शक्तियां इकट्ठा हो गई हैं। आप सब गुजरात के लोग हैं, गुजरात का हमारा एक पुराना दोस्त है, जैसे ये लोग बगल में बैठे हुए हैं ना, वो पहले बैठता था बगल में और सब भाजपा के नेता उसको देशद्रोही कहते थे। अभी वो वाशिंग मशीन में जाके साफ हो गया है, सारा केस उसका खत्म हो गया है, वो MLA हो गया है और हो सकता है सब कुछ ठीक रहा ना तो मंत्री और मुख्यमंत्री भी हो जाएगा। तो आप बताइए कि जो भाजपा के कार्यकर्ता पान की दुकान पे उसको कल तक देशद्रोही कह रहे थे, पटेल आरक्षण मांगने के चलते उसको जातिवादी कह रहे थे, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का बोल रहे थे, वो साफ हो गया। समग्र मामले डिटेल में बात करिए तो दर्शक मित्रों, सूरत खाते प्रेस कॉन्फ्रेंस दरमियान कांगी नेता कन्हैया कुमारे जणाव्यू के हाल देश में विपक्ष JPC नी मांग करी रही छे अने सत्ता पक्ष OBC कार्ड रमी रही छे। साथे ज अदाणी मामले कन्हैया कुमारे बात करता कह्यू के जरे सीता माता अग्नि परीक्षा आपी शके छे तो सरकार अदाणी पर एक तपास केम नथी करावती, अनेक सवालों उठाव्या दर्शक मित्रों। आ मामले पोताने एक साधारण कार्यकर गणावता कन्हैया कुमारे राहुल गांधी ने मानहानि કેસમાં સંભળાવેલ સજાને લઈને પણ વાત કરી, કહ્યું કે કાનૂની પક્ષમાં કંઈ નથી કહેવું, બીજા સવાલ છે તે હું રજૂ કરું છું, સુરત કોર્ટના જજ વર્મા સાહેબનું પ્રમોશન થયું છે, તેમને અભિનંદન। દરમિયાન તેઓએ ભાર મૂક્યો એક શબ્દ પર, કહો છે આ શબ્દ? તો દર્શક મિત્રો, કન્હૈયા કુમારે આ દરમિયાન એક શબ્દ વારંવાર ઊભો થયો હતો, માનહાનિ, તેમ કહેતા કહ્યું કે આ માનહાનિ નહીં, બેઈમાનીનો કેસ છે। પાછલા કેટલાક સમયથી સંસદમાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવતા હતા, એટલે માનહાનિનો પ્રશ્ન ઊભો કરવામાં આવ્યો। દેશના દરેક નાગરિકને પૂછવા માંગુ છું કે દેશમાં લોકતંત્ર છે, અમને રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસની ચિંતા નથી, આ દેશનો ચિંતાનો વિષય છે। દર્શક મિત્રો, આ મામલે મોદી રાજમાં તેમના મિત્રની તપાસ કેમ નથી થતી, તપાસ કરવામાં કઈ સમસ્યા છે, કોંગ્રેસના રાજમાં અદાણીને લાભ થયો તો તે પણ તપાસ કરાવી શકો છો, અનેક આવા આ મામલે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા કન્હૈયા કુમારે અદાણી કેસની તપાસને લઈને। દર્શક મિત્રો, મૂર્ખ ન બનાવો, મોંઘવારીની સાથે તેમની સંપત્તિમાં વધારો થયો છે, આ સાથે જ તેમણે અદાણીને લઈને કન્હૈયા કુમારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન જણાવ્યું હતું। 2014માં આ સાથે જ મોદી વડાપ્રધાન બન્યા બાદ અદાણીની સંપત્તિ વધી, તે નિવેદન પણ આપ્યું હતું દર્શક મિત્રો કન્હૈયા કુમારે। કોંગ્રેસ ભાજપના રાજની તપાસ કરી શકો છો, ત્યારે વડાપ્રધાનના ભાષણથી ઉમેદ બનતી હતી, તેમ કન્હૈયા કુમારનું કહેવું છે। સાંભળી લઈએ વધુમાં કન્હૈયા કુમારે શું કહ્યું। બીજી અનેક ખબરો સાથે ફરી મળીશું, ધન્યવાદ।